नमस्कार, जय भूमिपुत्र लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सिंह। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। मंगलवार को रतलाम दौरे पर आए प्रदेश के कृषि और जिला प्रभारी मंत्री सचिन यादव ने कहा कि रतलाम के विकास के लिए सुनियोजित रोड मैप तैयार किया जा रहा है और साथ ही प्रभारी मंत्री ने प्रदेश में यूरिया की उपलब्धता को लेकर भी जानकारी दी। प्रभारी मंत्री श्री यादव मंगलवार को कांग्रेस के विभिन्न कार्यक्रमों में सम्मिलित होने रतलाम आए थे। इस दौरान उनके साथ झाबुआ विधायक और पूर्व सांसद कांतिलाल भूरिया, सैलाना विधायक हर्ष विजय गहलोत, आलोट विधायक मनोजा चावला भी मौजूद थे। बता दें आपको कि मनोज चावला भी उनके साथ मौजूद रहे और जिला प्रभारी मंत्री ने रतलाम में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि रतलाम जिले में विकास की अपार संभावना है और इसके लिए पूरा रोड मैप तैयार किया जा रहा। अपार संभावनाएं जो है हमारे रतलाम जिले के विकास के लिए है और एक पूरा रोड मैप जो है लोग तैयार करने जा रहे हैं और आने वाले दिनों में कोशिश और प्रयास होगा कि उस रोड मैप के अनुसार जो है यहाँ के लोगों की भावना के अनुसार, लोगों की उम्मीदों के अनुसार जो है हम लोग रतलाम के विकास को आगे बढ़ते हैं। लगभग 18 लाख मेट्रिक टन यूरिया की मांग करी थी और उसके एवज में हमको 15,40,000 मेट्रिक टन यूरिया का आवंटन किया, लेकिन इन सारी परिस्थितियों के बावजूद हमने बेहतर प्रबंधन करके हम ये सुनिश्चित करने जा रहे हैं कि हमारे किसान साथियों को जो है यूरिया की किसी प्रकार की जो है समस्या का सामना न करना पड़े। और हमारे इस बेहतर प्रबंधन के कारण ही अगर आप अक्टूबर और नवंबर के में यूरिया की उपलब्धता की बात करें तो हमने पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 1,20,000 मेट्रिक टन यूरिया अधिक उपलब्ध कराने का हमने करा है। अगर आप अग्रिम भंडारण की बात करें तो पिछले वर्षों की तुलना में हमने लगभग 4 लाख मेट्रिक टन यूरिया की यूरिया उपलब्ध कराने का काम, अग्रिम भंडारण करने का काम जो है हमने किया है। अगर हम दिसंबर की बात करें तो दिसंबर माह में पिछले वर्ष जो है 1,14,000 मेट्रिक टन यूरिया की खपत हुई थी, उसके एवज में हम लोग इस बार लगभग 4,35,000 मेट्रिक टन जो है यूरिया उपलब्ध कराने का काम हम लोग कर रहे हैं। और पहले 10 दिनों में लगभग 2 लाख मेट्रिक टन यूरिया उपलब्ध कराने का काम और का लक्ष्य हमने रखा था और लगभग वो लक्ष्य को हम लोग हमने पूर्ति कर ली है और आने वाले 10 दिनों में भी हम जो है लगभग इतना ही जो है यूरिया हम लोगों को, हमारे किसान साथियों को उपलब्ध करा देंगे। जिला ब्यूरो एजाज शेख की रिपोर्ट।